बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीमों के दरमियान सेमीफाइनल में रसाई की जंग में तेजी आ गई है। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का अहम मैच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इस वक्त जारी। अफगान टीम ने 275 रन बना लिए, उनके 5 खिलाड़ी आउट हैं। ऑस्ट्रेलिया कामयाबी के नतीजे में फाइनल 4 का टिकट यकीनी तौर पर कटवा लेगा। वहीं अफगान टीम ये मैच जीत कर न सिर्फ सेमीफाइनल खेलने के इम्कान रोशन करेगी, बल्कि पाकिस्तान की पेशकदमी जो कि जारी है अभी तक, उसमें बड़ी रुकावट भी बन सकती है। इंग्लैंड के खिलाफ बड़े मुकाबले से कबल ग्रीन शर्ट्स के कैंप से अच्छी खबर ये आ गई है कि नायब कप्तान शादाब खान फिट हो गए, जबकि फास्ट बॉलर हारिस राउफ की भी MRI रिपोर्ट बेहतर आई है और दोनों खिलाड़ियों की इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेलने की उम्मीद भी जाहिर कर दी गई है। दूसरी जानी बांग्लादेश से हार की कर जहां श्रीलंका सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया, वहीं पर अफगान टीम की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने की टिकट पर भी उनकी कंफर्म होगी वो टिकट। और कल इंग्लैंड नेदरलैंड में जो मुकाबला होगा पुणे में, दोनों टीमें ऑल्दो इस टूर्नामेंट से बाहर होगी, इस तमाम सूरतहाल पर बात करनी फॉर्मर कैप्टन सलमान बट साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे। उसके अलावा आकिब कुरैशी ने भी स्टूडियो से ज्वाइन किया है, अहमद सईद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। थैंक यू बट साहब, से आगाज करते हैं। बट साहब, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इस वक्त जो अफगान टीम है 279 रन बना चुकी है, 5 खिलाड़ी आउट है, आखिरी ओवर का खेल जारी है, क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान, इस तरह का टफ मैच हमने इससे पहले नहीं देखा। देखिए, ऑब्वियसली ये पिच थोड़ा ड्राई है और ड्राई पिच का मतलब है कि बॉल ग्रिप होगा, ग्रिप होगा तो स्पिनर्स इन एक्शन आएंगे। मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही अच्छा स्कोर इन्होंने कर लिया, जिस तरह की बॉलिंग अफगानिस्तान की है, अगर आज अच्छी बॉलिंग कर दी इन्होंने तो ये मुश्किल खड़ी कर देंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। और अगर अभी तो अभी 4 गेंद रहते हैं, अगर 2 बड़े हिट लगे तो ये रन 290 क्रॉस कर सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन का हमें पता है कि जब उनके वो टॉप 3 में से रन्स नहीं होते तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किलात हो जाती हैं। अगेन वही आप वाली बात, छक्का लग गया। बिल्कुल हाँ, छक्का लग गया। 200 इस वक्त मेरे ख्याल 85 रन्स हो गए में और अभी 3 गेंदे भी बाकी हैं। तो राशिद खान इन फॉर्म पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन अगेंस्ट ऑसिस इनकी कोई राइवलरी भी चल रही थी, बायलैटरल सीरीज जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने इनके खिलाफ कैंसिल की थी, उसके बाद से इन्होंने कुछ नवीनुल्लाह की जानिब से कुछ स्टेटमेंट भी सामने आए थे, तो उसको देखते हुए ऑस्ट्रेलियन को बड़ा मोहतात होकर और अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए, अदरवाइज पाकिस्तान को अफगानिस्तान की जीत जो है वो तंग कर सकती है। बट साहब, हमने देखा इब्राहिम जादरान ने अपने करियर की 6ठी सेंचुरी, वर्ल्ड कप की 1ली सेंचुरी, और अफगान टीम ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये वाहिद प्लेयर है जिन्होंने वर्ल्ड कप में इतना बड़ा स्कोर किया है। कहां पर रेट करेंगे इब्राहिम जादरान की इस इनिंग्स को? देखिए, आउटस्टैंडिंग नॉक है ये, पूरे ओवर्स उन्होंने खेले हैं, पूरा एक साइड से उन्होंने इनिंग्स को पकड़ के रखा है और बाकी जो प्लेयर्स हैं वो उनके इर्द गिर्द कैमियोज भी खेलते रहे हैं और आराम से भी खेलते रहे हैं। और इस तरह की बड़ी इनिंग एक चाहिए होती है, जब भी आपने बड़े रन्स करने हैं एक टीम ने तो ज़रूरी है उसमें कोई ना कोई प्लेयर, एक या दो प्लेयर बड़े स्कोर करें। और यहाँ पे एक परफेक्ट एग्जांपल है, 129 रन्स एक ओपनर ने किए हैं और जो बाकी टीम उनके इर्द गिर्द खेल रही है तो 300 के करीब टीम पहुँच गई है। और किसी ने ये मैच से पहले सोचा भी नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतना कंफर्टेबली ये वाला टारगेट अचीव करेंगे। तो बहुत ही अकॉम्प्लिश्ड प्लेयर लग रहे हैं ये टॉप 3 जो अफगानिस्तान के हैं। व्हाट अ शॉट! और एक और छक्का लग गया है, जो कि एक और छक्का लग गया हमजा जिसका शक था, डाउट था, 291 हो गया, वही आप वाली बात। और अगर लास्ट पर फिर लग जाता है दैट मींस 298 का टारगेट हो सकता है। और जिस तरह से ये खेल रहे हैं, हमने देखा कि आज मिचेल स्टार्क को अच्छी खासी मार भी पड़ी है और उन्होंने अभी सिर्फ और सिर्फ ये 9वां ओवर चल रहा है, उनको 70 रन पड़ चुके हैं इस विकेट पर। व्हाट्सएप अपेरेंटली अभी इस फर्स्ट इनिंग्स में आपको क्या लग रहा है, ये किसके लिए हेल्पफुल अभी तक साबित हो रही है? क्योंकि हमने देखा एडम जंपा को भी 10 ओवर में 60 रन पड़ गए, 58 फास्ट बॉलर्स को भी पड़ रहे हैं, तो ये किसके लिए हेल्पफुल रहेगी और सेकेंड इनिंग्स में किस तरह से बिहेव कर सकती है विकेट? देखिए, अगर तो ये जो पिच है ये रेड सॉइल लग रहा है मुझे, और यूजुअली बॉम्बे में वेंकडे में ये रेड सॉइल पिचेस ही होते हैं और यहाँ पर फिर बॉल स्पिन भी होता है, अच्छे पिचेस होते हैं बैटिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिलती है। और अफगानिस्तान जो है वो एक स्पिन हैवी टीम है, उसके जो चैंपियन बॉलर्स हैं वो स्पिनर्स हैं, जो बेसिक मैच विनर्स हैं उनके। और अगर आज उनका अच्छा दिन हुआ, नबी का, राशिद खान का, मुजीब का, और शायद वो लेफ्ट आर्म भी खेल रहे हो नूर जो है, तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ये कड़ा इम्तिहान भी हो सकता है, स्पेशली अगर ड्यू ना आई तो। बिल्कुल जी, 292 रन का टारगेट दे दिया गया भी हो सकता है और प्रेशर 292 रन का टारगेट दे दिया गया जी ऑस्ट्रेलिया को। और अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर ये पहले बैटिंग का फैसला किया था। अहमद सईद साहब, यूजुअली वानखेड़े स्टेडियम में हाईएस्ट और एवरेज किस तरह चला है, इसमें क्या रेशियो है, वैसे स्टैट्स क्या कहते हैं? ये देखिए, अगर हाईएस्ट टीम टोटल की बात करें तो यहाँ पर स्कोर तो बहुत ज्यादा बने हैं, 438 रन यहाँ का हाईएस्ट टोटल है जो साउथ अफ्रीका की टीम ने इंडिया के अगेंस्ट बनाया था।
उसके अलावा हम अगर ये बात करें कि तो मतलब ओवरऑल वानखेड़े जो है ये एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है। आपने मिचेल स्टार्क का यहाँ पर तस्करा किया, मिचेल स्टार्क ने आज एक रिकॉर्ड में नाम कर लिया है, उन्होंने आज जो अपनी 59वीं विकेट हासिल की है वर्ल्ड कप में, ये उनका 29th बोल्ड था। तो बोल्ड आउट करने वाले सबसे ज़्यादा प्लेयर बन चुके हैं, सबसे ज़्यादा बोल्ड कर लिए उन्होंने वर्ल्ड कप में। लसित मलिंगा के 28 बोल्ड का रिकॉर्ड इन्होंने आज तोड़ दिया है, 28 बोल्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो जनाब 292 रन्स जो कि इस मैच में इस वक्त बन चुके हैं। पर गुफ्तगू जी आकिब साहब आपकी तरफ ही आने लगा था, अब बोलिए पहले। मैंने कहा ये जो इसमें हम एक चीज को भूल रहे हैं, जो टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग का फैसला किया है वो अपनी स्ट्रेंथ के खिलाफ गए थे। इससे साफ लगा है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पे है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी जॉइंट टीम के खिलाफ वो पहले अपनी वीकनेस को सामने रख रहे हैं और अपनी स्ट्रेंथ को बाद में लेके आ रहे हैं। मोहम्मद हमें यही देखने में आया कि स्ट्रेंथ जो भी टीम होती है वो पहले अपनी शो करती है, तो इनकी जो स्ट्रेंथ थी उन्होंने पहले बाद में उसको अप्लाई करने का फैसला किया है, तो उनका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बता रहा है। और इतना बड़ा जो स्कोर कर गए, माइट बी पॉसिबल ये जो है मैच ऊपर नीचे होकर ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दे दें, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा ही रहा है कि जब वो एकदम उनका पैनिक बटन ऑन होता है, स्पेशली जब इस तरह की जो एशियन कंडीशंस में, तो वो फिर पैनिक बटन ऑफ नहीं कर पाते, ऑन ही रहता है जब तक वो हारे ना। तो ये टॉस का इंपैक्ट मैं समझता हूँ बड़ा कॉन्फिडेंस। बट सब क्या समझते हैं, जोनाथन ट्रॉट ने इंटायरली चेंज कर दिया अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का माइंडसेट, जिस तरह से अभी आकिब ने कहा कि अगेंस्ट देयर स्ट्रेंथ गए हैं वो और उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया है। और यूजुअली हमने देखा कि अफगानी क्या करते हैं कि वो पहले बड़ा सा टारगेट देखकर उसके बाद जनाब ओपनर जाके गुरबाज और जादरान लाठीचार्ज शुरू करते थे, लेकिन आज हमने कुछ डिफरेंट देखा, उन्होंने पहले बैटिंग की। समझते हैं सही फैसला था? देखिए पिच ड्राई है, ये फैसले पिच देखकर होते हैं, और जब आपकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है तो आप तब बॉलिंग करना चाहेंगे जब पिच बॉलिंग स्पिन बॉलिंग के लिए ज्यादा साजगार हो। तो रेड सॉयल जो है जब वो खुल जाता है, जब उस पर स्पाइक्स लगते हैं, और उन्हें पता था कि ऑस्ट्रेलिया के 3 फास्ट बॉलर्स हैं और चौथे ऑलराउंडर भी करते हैं, तो वो जितना वो इस्तेमाल करेंगे पिच को बॉलिंग के लिए उतना पिच टूटेगा और उतना बाद में वो स्पिनर्स के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो ऐसे में यही फैसला बनता था, अब चाहे वो डिफेंड कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन ये फैसला उन्होंने ठीक लिया और उन्होंने वो रन्स भी कर लिए हैं कि जहाँ पर अगर स्पिन अच्छा होता है, ग्रिप होता है जिसकी उम्मीद है क्योंकि पिच ड्राई है, तो फिर स्पिनर्स को अच्छी खासी मदद मिलेगी। और स्ट्रेंथ उनकी जो है वो उनकी हमेशा से 4 स्पिनर्स ही उनकी जान रहे हैं, वो 4 स्पिनर्स के अंदर ही उनके चांसेस लाए करते हैं। जिस मर्जी मैच को आप देख लीजिए इन्होंने हमेशा अपने स्पिनर्स के थ्रू, इवन पाकिस्तान ने जो 280 रन इनके खिलाफ किए थे उसमें भी इनके स्पिनर्स ने आउट करके तो वो रन को रोका था, वरना वो रन 300 प्लस ही होने थे। सो ये अपनी जो कह लीजिए कि इस पिच को देख के इन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। बट सब चूंकि अब 4 स्पिनर के साथ, प्रॉपर स्पिनर के साथ अफगानिस्तान की टीम जो अब ग्राउंड में उतरी है, वैसे यूजुअली ऑस्ट्रेलियंस की जो स्ट्रेंथ अगेंस्ट स्पिनर है अब वो अच्छी है, और इन कंडीशन में ऑस्ट्रेलियंस जो है वो स्पिनर्स को अच्छा खेल पाते? देखिए अगर ग्रिप होगा ना तो ऑस्ट्रेलियंस को मसला होगा। ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं हार्ड विकेट्स के ऊपर, यहाँ पे आप थ्रू द लाइन हिट मार सकें, लेकिन अगर यहाँ ब्रेक होगा ग्रिप होके तो फिर थ्रू द लाइन हिट नहीं लगेगी और ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स को मुश्किलात हो सकती हैं अगर बॉल स्पिन होता है तो, जिसका खदशा है। और उसी खदशे के पेश नज़र जो है इन्होंने पहले टॉस जीत के बैटिंग की है, क्योंकि जब ये बैटिंग कर लेंगे जाहिर है ये पिच पे भागेंगे। बॉलर्स भी स्टार्क एक एंड से बॉल करते हैं, राइट हैंडर्स दूसरे एंड से बॉल करते हैं, तो दोनों तरफ पिच के पैचेस क्रिएट होते हैं लेफ्ट एंड राइट जब ऑपरेट करते हैं, और आपने देखा स्टार्क राउंड द विकेट भी आते हैं ओवर द विकेट भी जाते हैं। तो ऐसे में जितने पैचेस क्रिएट होंगे वो 4 स्पिनर्स के लिए मददगार साबित होंगे। तो ये एक वेल प्लान्ड डिसीजन है, और ये जो पिच भी रेड सॉयल एंटायरली दिया गया है, मैं इस पर खेल चुका हूँ वेंकटे में, तो यहाँ पर बॉल अच्छा स्पिन होता है रेड सॉयल के ऊपर, यूजली तो ऐसा होता है। इसमें एक और भी हम चीज़ जो मेंशन कर दें, जो उनका मोस्ट ट्रस्टेबल बैट्समैन है स्टीव स्मिथ, वो आज नहीं खेल रहे। हाँ यही मेरा सवाल था कि स्टीव स्मिथ की एब्सेंस कितना ऑस्ट्रेलियंस को तंग कर सकती है, अभी 292 का टारगेट सामने है। देखिए ऑब्वियसली वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है और एक ऐसे प्लेयर है जो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं और जो बड़े स्कोर की कैपेबिलिटी रखते हैं ऑलरेडी, के कह ले ऑल दो के उन्होंने अभी तक कोई बड़ी इनिंग इस वर्ल्ड कप में ऐसे नहीं खेली, लेकिन स्टिल वो एक हैवी वेट है और ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन बैटर है, और उनसे प्रेशर ज़रूर होता है ओपोजिशन के ऊपर, उनका ना होना, और अगर उनके ना होने में विकेट्स 2-3 जल्दी निकल गई तो फिर ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे मसाइल का शिकार हो सकती है, और अफगानिस्तान जो है वो फिर उस सेमीफाइनल की रेस में आ सकते हैं जिसके लिए ऑलरेडी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जो है वो उसकी
तगड़ों में लगे बिल्कुल इसी तरह है, और ये तो मजीद क्लैरिटी जो है वो 9 नवंबर को आएगी। परेशानी होगी हमारे लिए, परेशानी हो सकती है मुसाब जी। मैं बट साहब मैं इजाजत है आज मैं सवाल कर लूं सर आप कौन सा रुकते हैं जारी रखें मैं बात करना चाह रहा हूँ इब्राहिम दादरान की जो आज इनिंग थी उसमें उन्हें 131 बॉल जो है वो खेली उन्होंने अपने 100 के लिए, और अगर हम देखें तो उन्होंने जो अपना पहला 50 किया उसमें उन्होंने 5-6 चौके लगाए, उसके बाद वो बहुत ही आराम से खेलते रहे, और जो ओवर 20 से 41 की जो इनिंग है उसमें इब्राहिम दादरान ने सिर्फ 1 चौका लगाया। तो क्या कहीं ऐसा हो सकता है कि ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसके हिसाब से उन्हें बहुत स्लो इनिंग खेली हो, जहाँ पर उनको स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए था वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेलते गए, जिसका प्रेशर पड़ा उमर ज़ई और मोहम्मद नबी के ऊपर। मोहम्मद नबी आज 43rd ओवर में आए और उसी गैप को पूरा करने के चक्कर में शायद वो आउट हो गए। देखिए अफगानिस्तान को हर हाल में 270 प्लस करना था और वो विकेट पे रहे बगैर होना नहीं था एक प्लेयर के। देखिए मॉडर्न क्रिकेट का क्या मतलब लेता है, हर बंदा इसका एक अलग मतलब लेके बैठा है, यानी कि वो चाहता है कि अगर पहले 4 गेंदों में 4 चौके लगा दिए तो अगले ओवर में 6 चौके लगें। वनडे क्रिकेट ऐसे नहीं चलती, और प्रॉपर बैटर्स को आपको देखना पड़ता है किस स्पेल पर आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, कहाँ चीज़ मुश्किल होती है। और ये 20 से 41 ओवर तक चौके का ना लगने का मतलब है कि जब बॉल पुराना होता है तो इस पे शॉट मारनी आसान नहीं है। उसके बाद ये होता है कि पिच में ग्रिप होता है, स्पिन होता है, और उस पैसेज में जाहिर है उसमें फिर मैक्सवेल ने भी बॉलिंग की होगी, उसमें जैम्पा ने भी बॉलिंग की होगी, और इसका मतलब ये है कि जब अफगानिस्तान के स्पिनर्स आएंगे अगर इसी तरह की सिचुएशन हुई तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल होगा। मैंने सुना हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने डिफरेंट टीवी चैनल पे कोहली की इनिंग में भी कहा कि वो आखिरी 3 उन्होंने सिंगले किए हैं तो वो बड़ा सेल्फिश खेले हैं। बात यह है कि जब एक टीम एक जगह के हिसाब से अपना डिजायर टारगेट अचीव कर लेती है तो फिर वो अगर 10-15 ऊपर नीचे कर भी ले तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैच वो 250 रन से जीत रहे हैं, आपको 2 सिंगलों की पड़ी हुई है, यानी कि कोई कॉमन सेंस हो, आप रिलेट करें किसी की इनिंग को कि एक बंदा खड़ा होकर उसका रोल ही उसके कोच ने यह बताया मैच के बाद जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि उनको अपनी टीम मैनेजमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने डीप जाना है, पूरी बारी लेनी है, आखिर तक खड़े होना है। तो जिस बंदे ने दुनिया में सबसे ज़्यादा रन और सेंचुरियाँ कर ली हों तो मेरा ख्याल है उसको पता होता है कि वो क्या कर रहा है। और इस तरह के जो चीज़ें आती हैं इससे क्या करते हैं आप, एक नए लिसनर को आप उसके माइंड में डाउट पैदा करते हैं, एंड आई थिंक कि दैट इज़ द केस वेयर पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि क्रिकेट क्या है। क्रिकेट वही है, आप उसको आज मॉडर्न निगाह से देख रहे हैं बिकॉज के वो T20 ज्यादा होती है तो आप उसी आईने में उसी लेंस में उसको देख रहे हैं, लेकिन ये वनडे क्रिकेट है, इसके डायनामिक्स डिफरेंट है और इसमें फ्लक्चुएशन आती है। अच्छा अहमद सईद साहब, इसके बाद जो पॉइंट्स टेबल है उसको थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है। अब इस वक्त पाकिस्तान नंबर 5 पर स्टैंड कर रही है, अफगानिस्तान का नंबर 6 है। इस मैच के बाद अगर अफगानिस्तान ये मैच जीतता है क्या सिनेरियो बनेगा? रन रेट तो यकीनी तौर पर ऊपर जाएगा, प्लस पॉइंट्स ऊपर चले जाएंगे, अभी उनके मैच जो है उनका मैच है कभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी है, और अगर वो आज जीतते हैं तो वो पॉइंट्स बराबर कर लेंगे अपने ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसका जाहिर है कि नुकसान होगा पाकिस्तान की टीम को। और पाकिस्तान की टीम को अलबत्ता ये एडवांटेज अफगानिस्तान के अगेंस्ट हासिल है कि पाकिस्तान का रन रेट अफगानिस्तान से बेटर है, तो पाकिस्तान अगर अगला मैच जीत जाए और अफगानिस्तान 2 में से 1 मैच भी जीतता है तो दोनों के पॉइंट्स बराबर होंगे, जिसकी सूरत में बात रन रेट के ऊपर जाएगी। लेकिन अगर अफगानिस्तान की टीम एक बात बहरहाल ये ज़हन रखनी चाहिए कि अफगानिस्तान अब इस मैच के आउटकम से अलावा अफगानिस्तान की टीम जो है वो अब कोई छोटी टीम नहीं रही है। अफगानिस्तान अगर ऑस्ट्रेलिया को भी हरा सकती है तो अफगानिस्तान की टीम जो है वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी टफ टाइम दे सकती है। तो इस मैच में पाकिस्तान के जो शायकीन है वो तो यही दुआ कर रहे हैं, हर सूरत में ना दुआई करनी आगे। कुरैशी साहब बड़ी आप कोई जुमानी सी हंसी हंस रहे हैं, कोई बात ज़हन में आ रही है? नहीं, वो हमदा ये जो अभी अहमद बता रहे थे ना कि अगर मगर, मतलब ये पॉइंट्स टेबल से ना अब देखने का दिल ही नहीं करता कि पॉइंट्स टेबल में होना क्या है। सिंपल, आप दूसरों की हार पे आप सारा कुछ डिपेंड कर बैठे कि दूसरे हारें हम जीतें फलां हो, लेकिन फिर वही बात कि हम मुहिब वतन है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं पाकिस्तानियत छुपी है तो वो बाहर निकलनी होती है हर जगह। तो सिचुएशन मुझे पर्सनली इंग्लैंड का जो है वो स्टेक लगा हुआ है चैंपियन ट्रॉफी, तो हम इंग्लैंड को ऐसे समझ रहे हैं कि वो एक लाहौर की टीम है, लाहौर लाइन्स है, तो उनको हम आराम से खेल लेंगे। उनकी चैंपियंस ट्रॉफी स्टेक पे लगी हुई है, ये भी देखना पड़ना उनका। और चैंपियंस ट्रॉफी की जो बात है, अफगानिस्तान तो क्वालीफाई कर चुका है, और साउथ अफ्रीका के सामने 2 क्यू लगे हैं, इस तरह का एक क्यू हमारे नाम के सामने भी लगा हुआ है, जिसका मतलब है कुदरत का निजाम, उसके ऊपर भरोसा रखें, उस पर उम्मीद बरकरार है हमारी। 9 तारीख को कुदरत का निजाम भी वाज़ेह हो जाएगा और 11 को तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करनी, डिस्कशन हमारी जारी है, स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, हमने पॉइंट्स टेबल डिस्कस किया। अब जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाली वो ये है कि कल के मैच में जो कि बांग्लादेश वर्सेज श्रीलंका मैच चल रहा था, श्रीलंका ऑफिशियली वो तीसरी टीम बन गई है जो कि इस इवेंट से नॉकआउट हो चुकी है। श्रीलंका के लिए ये मैच जीतना जरूरी था। जो सिनेरियो बनता गया, वो जो सीन बना उसके बाद, कुछ प्लेयर्स में गर्मा गर्मी हुई, टाइम आउट दिया गया उसको, एंजेलो मैथ्यूज को, ये सारी सूरत हाल उसके बाद जो रही सही कसर थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों कप्तानों की जाने से पूरी कर दी गई। एमएस सईद साहब, वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले मैथ्यूज ने बार बार डिस्ग्रेस का वर्ड यूज किया, तो इससे कबल इस तरह की कोई, उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने 15 साल के करियर के अंदर किसी भी टीम को इतना नीचे गिरते हुए नहीं देखा, सिर्फ इसलिए कि उन्हें मैच जीतना है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर, जो हम कल बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह से इस माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो ये कोई बहुत अच्छा कल्चर नहीं है जिसको आप नर्चर करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा हेलमेट टूटने के बाद भी मेरे पास 5 सेकंड मौजूद थे, उसकी वीडियो भी उन्होंने आज शेयर कर दिया आईसीसी के साथ, तो आईसीसी भी इसके ऊपर जाहिर है कोई ना कोई अपनी रिकमेंडेशंस देगी। बट सब ये मामला किधर जाता दिखाई दे रहा है आपको, समझते हैं जिस तरह का स्टेटमेंट एंजेलो मैथ्यूज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है, और ये बाकायदा ये लाइन अगर उन्होंने बोली है कि इतना गिरते हुए किसी टीम को नहीं देखा जीत के लिए, तो रूल्स तो ऑल दो वहां पर मौजूद हैं, लेकिन अगेन बात वही आ जाती है स्पिरिट की, बार बार उसी पर बात की जाती है। तो इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस एंजेलो मैथ्यूज की जानिब से, इतना सीनियर प्लेयर, और ऑन द अदर एंड शकीब अल हसन ने कहा कि अंडर 19 से हम साथ खेलते आ रहे हैं, मुझे एंजेलो के बारे में सब पता है, 2006 से हम साथ हैं, इस तरह का स्टेटमेंट क्या कहेंगे आप? बात यह है कि हाई स्टेक्स थे वर्ल्ड कप में, दोनों टीमें कोई इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही थी, और दोनों जो है डेस्परेट थी मैच जीतने के लिए, और ऐसे में इस वाक्य का होना, देखे या तो मैथ्यूज लेट आते तो अंदर ही लेट दाखिल होते और टाइम के नीचे होते, देखिए वो अंदर आए हैं और अंदर आके उनके हेलमेट का बकल निकला है, तो इसमें अंपायर को थोड़ी कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि बाजार से नहीं मिलती। आई नो इट्स नॉट कॉमन नाउडेज बट इट इज देयर। 42वां रूल जो है किसी भी जो चीज का, या स्पेशली क्रिकेट के लॉज का, वो कॉमन सेंस है। तो आपको रिलेट करना, आप इतने बड़े मैच में आए, एक वर्ल्ड कप की स्टेज पे, आप क्यों एक अननेसेसरी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं? और अंपायर जो है या जो अपोजिंग कैप्टन है, मैं ये नहीं कह रहा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये तो वैसे सबसे बड़ा ब्लफ है कि आप रूल कुछ और बनाएं और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का दर्स किसी और का चीज़ दें। जो बात विद इन द रूल्स है वो है, लेकिन एक कॉमन सेंस की, देखिए एक बैट्समैन अंदर दाखिल होता है, वो आता है, वो रस्से के अंदर उसका पाँव अड़ता है और वो मुँह के बल नीचे गिर जाता है, फिर आप क्या करेंगे? फिर क्या मैच नहीं रुकेगा? बिल्कुल। तो एक बंदा अंदर आया है, आपका बॉलर लगा हुआ है, अगर उसके चेहरे पे बॉल लग जाए, आईसीसी का ही रूल है ना कि हेलमेट के साथ खेलना है, और हेलमेट की एक्स्ट्रा पैडिंग होगी, जब से वो जो फिलिप्स की जो है उनका मिसहैप हुआ ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की तरफ सारे खिलाड़ी गए हैं। तो जब आप एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की तरफ गए और एक मेन प्रोटेक्शन अपना ग्रिप लूज कर गई है, तो उसको रिप्लेसमेंट देनी चाहिए। इसमें कौन सा क्यामत खड़ी हो जानी थी, और वो वाला टाइम एक्स्ट्रा टाइम से कट कर लेते, एक घंटा या आधा घंटा तो एक्स्ट्रा होता ही है, ब्रॉडकास्टर्स भी देते हैं आधा घंटा एक्स्ट्रा। तो ये एक बहुत छोटा सी कह ले के एक इंसिडेंट था जिसको ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर दिया है, पहले तो लैक ऑफ सेंस ने, उसके बाद लैक ऑफ कन्विक्शन जो उनके इस डिसीजन में थी, यानी कि आप इतना ही लेटर एंड स्पिरिट में चले गए हैं कि जो लिखा है बस ऐसा ही होगा। यार अपना जहन भी तो इस्तेमाल करें कि उसने या तो जान के तोड़ा हो, या वो हेलमेट भूल के आया और उसने बाद में हेलमेट मंगवाया है, वो एक चीज़ कैरी कर रहा है पहनते हुए, टूट गई है, तो उसमें तो जो है आप उसको इतनी ग्रेस तो दिखाए ना। बट जब शकीब अल हसन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने तो ये कहा कि उनसे जब सवाल किया गया कि स्पिरिट ऑफ द गेम किधर गई शकीब, तो उन्होंने कहा कि देन आईसीसी शुड चेंज देयर रूल्स, उनको रूल चेंज करना चाहिए, मैं तो रूल्स को फॉलो कर रहा था। देखिए स्पिरिट ऑफ द गेम को अगर हम देखें ना, तो लेटली बड़ी टीमों ने ना इस लाइन को कह लीजिएगा उसने साइड पे किया और वो रूल्स के लिए गए हैं, और अभी कई दफ़ा हम देखते हैं कि जो बल्लेबाज है ना, वो बॉल गिरा होता है तो वो भी उठा के दे देते हैं वापस बॉलर को या फील्डिंग साइड को, जबकि अगर उसके ऊपर भी अपील हो जाए तो वो भी आउट है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा सबसे कि वो आइंदा से मत उठाएं और उन्हें कहें अपना गेंद आगे खुद उठाएं, क्योंकि किसी ने अपील कर दी तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट और रूल में तो बड़ा जमीन आसमान का फर्क है, एक तरफ नॉट आउट है और दूसरी तरफ आउट है। तो ये आईसीसी को चीजें क्रिस्टल क्लियर करनी चाहिए व्हेन इट इज अबाउट सो मच ऑफ स्टेक, आपकी रैंकिंग स्टेक पे है, आपकी अगली ट्रॉफी की पोजीशन स्टेक पे है, आपकी प्राइज मनी इतनी हाई है, लोगों के करियर इससे जुड़े हैं, तो फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट या ये स्पिरिट ऑफ जो है गेम वो नहीं कोई देखता, वो ये देखता है कि मैंने अपनी टीम को सिक्योर कैसे करना है और मैं विद इन द रूल्स हूँ। तो ये जो एक ब्लफ है ना स्पिरिट का, इसको प्लीज रहने दें।
स्पिरिट जो है वो अपनी टीम के इंटरेस्ट के साथ जुड़ी होनी चाहिए, ना कि वो हार जाए इस स्पिरिट दिखाने के चक्कर में कोई टीम हार जाए। तो ना आप कैप्टन्स को मुश्किल में डालें, ना आप टीमों को आपस में लड़ाएं, आप क्लियर रूल बनाएं और उस और अगर कोई रूल कॉमन सेंस में उसको आता है कि यार ये तो एक आते साथ मजबूरी हुई है तो भाई उसको तब्दील कर लें। अगर उसको बॉल लग जाती और उसे कंकशन होती या फिल्प ह्यूज वाला एक और केस रिपीट होता तो क्या ये अंपायर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता? Exactly. कभी भी नहीं लेता ये। इसी में हमसे जो आकिब इसमें हमसे सारे मामले पे हम एक नाम को भूल रहे हैं जो कि मैं समझता हूँ बड़े ही डर्टी माइंड साबित हुए हैं, और उनका नाम था नाजिबुल हसन शांतू, जिन्होंने शाकिबुल हसन को अर्ज किया कि भाई जो कवर पे फील्डिंग कर रहे थे जब एंजेलिन मैथ्यूज के साथ ये हुआ तो उन्होंने शाकिब को कहा कि इसको हम ऐसे आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये सारा सिनेरियो चला, वो जो चला वो सलमान भाई ने बता दिया, आपने भी बता दिया, हमने पहले भी देखा है। इंडिया और श्रीलंका की रैवरी आज से नहीं चल रही, 2017 की निदहास ट्रॉफी सबको याद होगी जब से नागिन डांस शुरू हुआ था, मुशफिकुर रहीम ने आखिरी विकेट पे जो मैच जितवाया था तब वो नागिन डांस शुरू हुआ। फिर 2019 में भी इन दोनों के दरमियान कंट्रोवर्सी हुई, फिर 2021 के एशिया कप में दोनों के दरमियान हुई। तो ये इनका मैच में अगर इस तरह का ट्विस्ट ना हो तो मैं समझता हूँ श्रीलंका और इंडिया का मैच, श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच पूरा नहीं होता। इसके साथ जो मैं आपको एक एग्जांपल देने लगा हूँ, दैट डजेंट मीन के मैं शाकिब के जो एक्ट है उसको डिफेंड कर रहा हूँ। 2014 में इंग्लैंड का टूर था श्रीलंका का, वहाँ पे इनके एक ऑफ स्पिनर थे सचित सिरियांके, जिनका बॉलिंग एक्शन जो रिपोर्ट हुआ था उसमें उस वक्त एंजेलिन मैथ्यूज कैप्टन थे, तो ऑफ स्पिनर ने जॉस बटलर को मैन कैट किया था और वो सारा मामला गया था एंजेलिन मैथ्यूज के पास, और एंजेलिन मैथ्यूज ने कैटेगोरिकली जो है एम्पायर को कहा था कि ये लॉ में है तो मैं इसको आउट लेना चाहूंगा, मैं इसे जो है विड्रॉ नहीं कर सकता। ये सारी सूरत प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंजेलिन मैथ्यूज ने कही कि इट्स नॉट अबाउट मैनकट, अगर वैसा होता तो मैं अग्री करता exactly. लेकिन ये सारा सिनेरियो पहली दफा टाइम आउट पहुंचा हुआ था, उन्होंने जस्टिफाई किया विद प्रूफ के 5 सेकंड अभी रहते थे। बिल्कुल, टाइम आउट का एक और मामला भी पहले हो चुका है, वो ग्रैम स्मिथ का था 2006 में, जब इंडिया की टीम साउथ अफ्रीका का टूर कर रही थी, चार स्कोर पे 2 आउट हो गए थे, सौरभ गंगोली वहां से नहीं आ पा रहे थे, ग्रैम स्मिथ और अंपायर आपस में कन्वर्सेशन कर रहे थे, लेकिन ग्रैम स्मिथ ने इस तरह का कोई मामला नहीं किया। तो फिर वही बात आ जाती है कि ये तो फिर अगर हम कहें जर्फ की बात होती है, शाकिब ने बड़ा जो है वो गलत हरकत की है, इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए था। जिस तरह भी सलमान भाई ने एलैबोरेट किया कि कई मामला तो और हो सकते थे, वो गिर जाता, वो कुछ भी हो जाता उसको, तो फिर क्या करना था है। तो ये इनकी रैवरी चल रही है। आप क्या ऐड करना चाह रहे थे जी? देखिए, मैं वो बाट साहब का जो कॉमन सेंस है उसे रिलेट करना चाह रहा हूँ कि इसमें ये भी मैटर करता है कि ड्रेसिंग रूम से पिच तक का फासला कितना है। कुछ ग्राउंड जो है बड़े होते हैं, अब आप मेलबर्न में खेलने जाएं और वहां से आप चल के आना शुरू करें तो जाहिर है कि पिच तक आने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल वो जो लिखे लिखाए वर्ड्स होते हैं रूल बुक के अंदर, उसको जो इंटरप्रेट करना होता है वो कॉमन सेंस के साथ करना होता है। तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल जो है वो इंतहाई जरूरी है यहाँ पे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बरकरार रखने के लिए भी। बट सर, बांग्लादेश मीडिया की जानिब से, एक्स क्रिकेटर्स की जानिब से ये कुछ स्टेटमेंट सामने आ रही है कि बांग्लादेश उस टाइम 1-2 ओवर बिहाइंड चल रहा था, तो उन्होंने कहा या तो एम्पायर अपनी जिम्मेदारी ले या फिर अगर हम पे आता है तो हम ये लेंगे क्योंकि टाइम हमारा जाया हो रहा है, हमें जुर्माना एंड पे होना है। तो ऐसी सारी सूरत हाल में अगेन, जिन पर बहुत सी पहले भी बातें की गई हैं, लीड पैनल के जो रिसमस एम्पायर, हमने लास्ट वर्ल्ड कप में भी देखा जिस तरह से रिसमस पर तनकीद होती रही, अगेन इस बार फिर से रिसमस थे। तो ये सारी सूरत हाल में एम्पायरिंग पैनल का भी आप समझते हैं खासा रोल था? जब आप इनका नाम लेते हैं मुझे नवाज याद आता बट सर देखिए कि यहाँ पे अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस थे और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के लिए एक्सेप्शनल मेजर्स आपको लेने पड़ते हैं, स्पेशली जब आपके सर के ऊपर एक जज या अंपायर की हैट होती है। तो यहाँ पर अंपायर का काम यह था कि वो टाइम काउंट नहीं होता, जब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस की वजह से प्लेयर रुकता है तो वो टीम के खाते में नहीं जाता। जैसे जब छक्का लगता है और अगर बॉल को रिट्रीव करने में देर हो जाए तो वो एक्स्ट्रा टाइम काउंट होता है, वो टीम के वक्त में से काउंट नहीं होता। तो बांग्लादेश के 2 ओवर्स का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। और यहाँ पे अंपायर्स, रेफरी और एक पूरा कंटिंजेंट होता है जो वहाँ बैठा है, फोर्थ अंपायर है, थर्ड अंपायर है, रेफरी है, रिजर्व अंपायर है, वो 5 जितने लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं ये डिटरमिन करने के लिए कि कहाँ पे वक्त ज़ाया हुआ है, वो उसको क्लॉक से अलहदा कर देते हैं। वरना तो अभी तक कोई मैच भी 3.5 घंटे में 50 ओवर ख़त्म नहीं हुए, हर एक में ऊपर जाते हैं वो एक्स्ट्रा टाइम में काउंट हो जाता है, तो ये भी हो जाता। तो ये एक ना कोई होने वाली बात को ऐसे लगता है कि कोई कंट्रोवर्सी चाहिए थी कि ज़रा हल्ला गुल्ला हो जाए और काफ़ी तरफ से लोगों का ध्यान हट जाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है, और यहाँ पर इस तरह की चीज़ कर दी गई जो कि बिल्कुल ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। और जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ना, इस स्पिरिट को अब आज़ाद कर दें क्योंकि रूल्स के अंदर आने चाहिए, टर्म्स जो है निकल जानी चाहिए, स्पोर्ट्समैन, क्योंकि यहाँ पर
आप दो मुल्कों को आमने सामने करा देते हैं, आप दो कल्चर्स को आमने सामने करा देते हैं और खुद वो रूल बनाने वाले बड़ा आराम से साइड पे निकल जाते हैं। तो यहाँ पे जो गेम को ऑर्गेनाइज करने वाली बड़ी जो काउंसिल है उसको ये चाहिए कि आप रूल्स पे रहें। स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, लेकिन ये जो स्पिरिट ऑफ द गेम में आके आप आउट माफ करने शुरू हुए हैं ना, ये इस ब्लफ को बंद करें। अच्छा हमजा, ये जो आकिब ने एक पूरी राइवलरी की सुनाई है बांग्लादेश, इसी का नतीजा है कल जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी शकीब उल हसन ने ये कहा कि हम तो ऐसे मैच खेल रहे थे कि जिस तरह वी वर लाइक इन अ वॉर, तो उन्होंने वॉर का लफ्ज यूज़ किया, उन्होंने कहा कि हम तो वॉर में थे और हम जब वॉर में जाते हैं तो उसमें हम वॉर जीतने के लिए किसी भी किस्म के टैक्टिक्स को इस्तेमाल करते हैं, तो मैच जीतने के लिए जो भी हमारे लिए हेल्पफुल साबित होगा हम वो करेंगे। अच्छा कसर पट सब दोनों जानिब से भी कोई नहीं छोड़ेगी। देखा हमने मैच के बाद जो यूजुअली होता है दोनों टीम्स के प्लेयर्स जो है शेक हैंड करते हैं, कस्टमरी हैंड शेक होता है, वो जरूरी ये सारी चीजें होती है, गेम है, क्रिकेट है, लेकिन कल हमने देखा श्रीलंकन की जानिब से ये भी नहीं किया गया, तो ये जेस्चर भी अच्छा नहीं गया श्रीलंका की तरफ से। बट सब आवाज आ रही सर आपको? जी दोबारा रिपीट कीजिए। और सब जिस तरह से श्रीलंकन्स ने बाद में जेस्चर दिया, जो शेक हैंड्स होते हैं दोनों प्लेयर्स की जानिब से, ऑफिशियल्स, मैनेजमेंट तमाम की जानिब से, कल श्रीलंकन्स की जानिब से वो नहीं किया गया, तो उनकी जानिब से इस तरह का जेस्चर जाना, एक टीम ने तो चले ये हरकत कर दी, लेकिन आपको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था, समझते हैं आप ऐसा होना चाहिए था? देखिए ये दोनों नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शंस हैं, आप एक तरफ से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि होना चाहिए था मुजाहरा, नहीं हुआ चलें, नहीं हुआ, बट द पॉइंट इज़ कि आपको रूल्स को क्लियर करना है। इस तरह आप एक को मनाएंगे तो दूसरा नहीं मानेगा, दूसरे को मनाएंगे तो पहले वाला नाराज हो जाएगा, तो ये बड़ेपन का मुजाहरा कौन करता? दोनों इंटरनेशनल टीम्स हैं, दोनों बराबर क्रिकेट खेलती हैं, दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो क्यों एक बैकफुट पर चला जाए और एक अपनी जो एक वॉर कह रहा है तो दूसरा जो है वो उसे हाथ में लाए जाके। तो एक हीटेड आर्गुमेंट में नेचुरल है कि ह्यूमन रिएक्शन जो है वो अपोज करते हैं एक दूसरे को, एक हो गया वाकया, बट द बेस्ट थिंग इज कि आप इसको रूल्स के ऊपर डिफाइन करें। बिल्कुल। और जब एक चीज टूट गई है तो उसको रिप्लेस तो करना है ना इवेंचुअली। उस अंपायर से कोई पूछ नहीं रहा जिसकी गलती है, वही मैं कह रहा हूँ ना कि दो टीमें, दो कंट्रीज, दोनों कंट्रीज का मीडिया आमने सामने आ गया, वो जो है वो बरियस जिम्मा हो गए जिन्होंने ये डिसीजन लेना था। बिल्कुल। और इस सवाल के जवाब पे जनाब जो एंजेलो मैथ्यूज़ थे उन्होंने एक ही जवाब दिया था, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। ठीक है ना, उनसे सवाल जब ये किया गया तो ये सारी सूरत हाल थी। अच्छा हमने जो कल नतीजा निकला श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच का, इस मैच से अफगानिस्तान की टीम जो है वो ऑफिशियली अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर गई है और श्रीलंका की टीम जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। ठीक हो गया जी, एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात शादाब खान जो कंकशन इंजरी से वापस आए और हारिस रऊफ की क्या अपडेट है वाकिफ कुरैशी से पूछेंगे और आलिया रशीद ने जो मामला चल रहा था पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी में उस पर कुछ बात की है वो डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, बात क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान का इंपॉर्टेंट मैच इस वक्त चल रहा है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में और 292 रन का टारगेट है और 4 रन बना लिए ऑस्ट्रेलिया के जाने से पहले ओवर में। आज हमने बात करनी है जी दोबारा से शादाब खान की जो इंजरी के हवाले से अपडेट ले लेते हैं, आकिब कुरैशी से क्या अपडेट है और उसके बाद हमने हारिस रऊफ की जो पसलियों में और उनका MRI टेस्ट वगैरह कराया गया था इस सूरत हाल जाने थे। आकिब कुरैशी जरा बताएं दोबारा से वापिस ला रहे हैं शादाब खान वाइस कप्तान? ये हमजा जो आपने कह दिए ना वापस ला रहे हैं, इसे समझ नहीं आ रही कि ज़बरदस्ती लाया जा रहा है या वो फिट हो गए। तो शादाब खान अभी 2 दिन पहले तो कंकुशन का शिकार थे और रिपोर्ट से ही आ रही थी कि उनको बाहर कर रहे हैं, इब्रार को लेके आ रहे हैं। 2 दिनों में कंकुशन उनका सारा ठीक हो गया और वो जो है प्लेइंग 11 में अब बनने के लिए तैयार हो गए हैं। कल वो प्रैक्टिस करेंगे, उनका मुआयना किया जाएगा, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि इनको प्लेइंग 11 में खिलाना है कि नहीं। हारिस रऊफ की बात करते हैं, हारिस रऊफ की पसलियों में दर्द थी, अब वो क्योंकि पिछले मैच में उनकी वजह से हमारी भी पसलियों में दर्द थी जितना उनको मार पड़ी थी, तो अब जो है पसली उनकी जो है ख़राब थी, MRI स्कैन हुआ है, लेकिन अब इसको आप फॉर्चुनेट कह दें या अनफॉर्चुनेट कह दें, हारिस रऊफ मैच विनर है हमारा और बेहतरीन है, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस जा रही है उसके हिसाब से अब की जो उसकी MRI स्कैन जो उसकी सही हो गई है, अब वो डिसाइड आप लोग कर लें कि उसको फॉर्चुनेट कहना है या अनफॉर्चुनेट कह रहे हैं, वो भी ठीक है, अब उनको भी खिलाया जाएगा। लेकिन बात फिर वही आ जाएगी कि कलकत्ता के ईडन गार्डन्स में इंग्लैंड के खिलाफ क्या दोबारा आप 4 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे? अगर तो आपको शादाब खान को इन करना पड़ेगा तो फिर ऑब्वियसली आपको हारिस रऊफ को या उसको हसन अली को बाहर बिठाना पड़ेगा। हसन अली को हमने देखा है कि वो बॉल उसकी थोड़ी सी रिवर्स स्विंग भी हो रही है, उसको थोड़ा सा बैटिंग का भी एज है,
बहरहाल जो है कैंप से ये खबरें हैं कि आज जो है रेस्ट किया था, गोल्फ खेली, आज उन्होंने आज इंजॉयमेंट किया थोड़ी सी, कल से जो है वो प्रैक्टिस का आगाज़ करेंगे, उसके बाद हफ्ते को जो है 11 नवंबर को पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के खिलाफ कनेक्शन होगी। लेकिन सवाल फिर वही होगा कि प्लेइंग 11 क्या बनाएंगे, क्योंकि शादाब खान तो फिट हो गए और वो फिट हों तो वो ऑटोमेटिक चॉइस होते हैं प्लेइंग 11 की। सही, बट सब ये सारी सूरत हाल जो आपने जिस तरह से आकिब ने बताई है कि शादाब खान का टीम में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनके बगैर जो है वो मैचेस खेलना पाकिस्तान टीम के लिए मुश्किल हो रहा है, तब उनकी कंकशन इंजरी भी कुछ बेहतर ही आ रही है और कल फाइनल हो गया कि वो अगला मैच खेलेंगे या नहीं, और जो कि यकीनी तौर पर खेलेंगे, तो फिर किसे बाहर होता देख रहे हैं आप? समझते हैं हारिस रऊफ को अब रेस्ट दे देना चाहिए या फिर हसन अली? देखिए ये तो अब कैप्टन डिपेंड करता है कि वो कैसा सोचते हैं। अगर तो वो पेस के लिए जाते हैं, ठीक है, और हारिस रऊफ क्योंकि 2-3 साल से कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं। हसन अली का प्रॉब्लम ये है कि अगर उन्हें नए बॉल पे विकेट ना मिले तो एट द एंड ऑफ द डे पुराना बॉल जब तक रिवर्स ना हो तो फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाते रन्स के फ्लो को, और रन्स हारिस को भी हो रहे हैं। सो कैप्टन के लिए ये दोनों ऑप्शंस हैं कि इन दोनों में से वो किसको जो है वो बाहर बिठाता है और किसको खिलाता है। अगर शादाब को उसने अंदर लाना है, वैसे तो शादाब को वो फिर भी अंदर ला सकते हैं आगा सलमान की जगह पर, क्योंकि आपको बॉलिंग चाहिए और बैटिंग वहां तक आके तब अगर चली गई तो फिर समझ लें कि 16 कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो 8वें नंबर का जो बैट्समैन है वो वहां तक बात आती ही नहीं है। स्पेशलिस्ट की गेम है, 50 ओवर्स में जब तक आपके टॉप 6 जो है वो इन्फ्लुएंशियल नहीं होंगे बैटिंग में, तो 8वें 7वें 8वें का प्लेयर जो होता है उसके पास फिर बहुत ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं रह जाती। ठीक हो गया जी, ये तो कल क्लियर हो जाएगा, कल उनके टेस्ट क्लियरिटी आ जाएगी, उसमें 11 नवंबर को पाकिस्तान का मैच है, उसमें अवेलेबल होते हैं कि नहीं आज के शो से।